गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ए स्क्वायर क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द वेरी नेक्स्ट सेशन ऑफ योर जेनेटिक्स एंड द चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वी आर गोइंग टू सी टुडे अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मेंडलिज्म बेटा अब तक हमने देखा वॉट आर द फ्यू टर्म्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन जेनेटिक्स वॉट डिड मेंडल टॉक्ड अबाउट What were the laws of inheritance, which was I have taught you one by one and in a sorted way, जो कि हम लोग complete कर चुके हैं. Today we are up to very next and very fresh topic and one ladder ahead to your genetic session, that is post Mendelism. Post Mendelism मतलब क्या? After Mendel, वो Mendel के जो laws थे, वो सब accepted हैं. माना हम लोग मान लिए कि वैसा होता है बट क्या जेनेटिक्स का रिसर्च और सेंटर स्टडी वहीं तक रुक गई क्या नहीं देयर वाज फ्यू कॉन्सेप्ट देयर वर फ्यू साइंटिस्ट हु आल्सो वर्कड आफ्टर मेंडल एंड दैट प्रोसेस वी नेम्ड इट एज व्हाट वी कॉल देम एज पोस्ट मेंडलिज्म समझ में आया एंड दिस पोस्ट मेंडलिज्म इज आल्सो फेमस एज नियो मेंडलिज्म नियो इन दिस थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न And not only three things, we are going to see very beautiful laws which we have read already, have few some modification. Let's begin, let's not discuss and let me give you the year also. It is talk about 1900s. After Mendel ka year was published, then Mendel scientist, usne kya kaam kiya tha, uske baad jo saare process hai na, death dhanadhan. जेनेटिक्स ने जब जो सीढ़ी पर करना चालू की बेटा कोई रोक नहीं पाया ठीक है चलो सो इन न्यू मेंडलिज्म वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वो कौन से तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को पूरा पूरा अच्छे से वेरीफाई कर दिया और जिनको याद है प्लीज लाइव चैट में कमेंट करें और या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो बाद में देख रहे हैं ठीक है बेटा मैं आपको कुछ हिंट्स दे देती हूँ कोरिन्स वॉज फ्रॉम विच प्लेस ह्यूगो डी वेरिस वॉज फ्रॉम विच प्लेस And one more scientist which you have to name and tell me the three scientists का नाम जिन्होंने मेंडल के वर्क को specially what मेंडल के वर्क को आगे बढ़ाया वो तीनों साइंटिस्ट के नाम मैंने आपको क्लियरली बताया और मैं चाहती हूँ आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बाकी सेशंस में आप कमेंट कर रहे हो तो इसमें क्यों नहीं ठीक है चलो सो न्यू मेंडलिज्म इज अ टॉक अबाउट समथिंग आफ्टर मेंडलिज्म एंड इन दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू बेसिक थिंग्स दैट इज इंट्राजेनिक मतलब समथिंग और चेंजेस ऑक्यूरिंग बेटा जी लिखते रहना समथिंग और चेंज साइड द जीन इनसाइड द जीन And this gene is also called as this gene contains what? Two alleles. This gene contains two alleles. Multiple alleles हो सकते हैं, but वो exception है. अभी के लिए आप two alleles मान के चलो, ठीक है? So two alleles present in one gene. So इसी को हम लोग intra allelic भी कहते हैं, बेटा. Intra allelic भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? Intra allelic. Intergenic means something or changes occurring inside the gene. इंट्राजेनिक चेंजेस और वेरिएशन सीन या फिर ऑक्योरिंग बिटवीन टू जीन्स And this is also called as non-allelic interactions या फिर intragenic interaction इसको बेटा interaction भी लिख सकते हो आप लोग ठीक है and intergenic interaction and this intergenic interaction is also called as non-allelic interaction बेटा समझ में आई इतनी सारी चीजें चलो लिखना अब मैं आपको समझा देती हूँ ये देखना बेटा सपोज टॉलनेस के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग टीटी कहते हैं या फिर टीटी होमोजाइगस टॉल हेटरोजाइगस टॉल एक्सेप्टेड ये क्या है बेटा एक पूरा जीन है दिस इज आल्सो एक वन जीन
आप लोग कहोगे जी मैम करेक्ट एक्सेप्टेड। अब देखना बेटा, ठीक है, इस जीन में ये दोनों एलील है ना, सो इनके बीच का जब भी हम इनके बीच का रिस्पॉन्स या फिर इंटरेक्शन पढ़ते हैं बिटवीन टू एलील्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील्स ऑफ वन जीन, ऑफ वन जीन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा एलीलिक। समझ में आया बेटा, कोई डाउट, क्लियर? इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील्स ऑफ वन जीन। बेटा टी एंड टी क्या है, दो इंटरेक्शन, ये दो एलील है एक जीन के, और वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर टॉलनेस के लिए। तो जब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे तो उसी को हम लोग इंट्रा एलीलिक कहते हैं। समझ में आया, ये इंट्राजेनिक और इंटर एलीलिक, ये बेटा याद रखना, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो दूसरी चीज, सेम चीज देखना, टॉलनेस के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल थी, कलर के लिए मान लेते हैं वो जीन आरआर है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा जी टॉलनेस के लिए ये भी तो था, बच्चा कलर के लिए ये भी तो था ना। अब हम दो कैरेक्टर के बीच का, दो जीन के बीच का इंटरेक्शन देखेंगे ना, टू डिफरेंट जीन का इंटरेक्शन, चेंजेस और वेरिएशन सीन ऑक्यूरिंग बिटवीन टू, लिख लो बेटा, डिफरेंट जीन, टू जीन्स या फिर टू डिफरेंट जीन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेनिक। अब देखना बेटा, ये एलील तो एक ही जीन का एलील है, बट ये दोनों एलील यानी टी बेटा, यानी टी एंड आर अलग अलग है ना, अलग अलग जीन्स। आप लोग कहोगे यस मैम, है ना अलग अलग एलील्स, यस मैम, ये दोनों नॉन एलीलिक कैरेक्टर है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन एलीलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। व्हाई हैस्पोस As suppose as possible, T and R are two different alleles of two different gene, which we are going to study the interaction. So such type of interaction, beta G, it is called as what? Intergenic interaction. Confuse mat hona. Why I am focusing more on this term? Because इसी दोनों term से हम दो three beautiful things and few more beautiful things देखने वाले हैं. What we are going to study in intergenic intragenic interaction is, सबसे पहला बेटा जी हम लोग पढ़ेंगे incomplete dominance, लोग ये चीज पढ़ेंगे co-dominance, co-dominance, and then we are going to see the beautiful concept of multiple alleles, co-dominance, multiple alleles, which we are going to see in intragenic interaction. बेटा जी याद रखना, आपको questions में ऐसे भी पूछे जाते हैं, क्या पूछते हैं questions में, what are the examples of intragenic interaction? You should tick mark all, tuck tuck tuck, because you have been learning from whom? From NR ma'am, from A square. Understood? So ये तीनों options सही है और ये पूछा हुआ question है बेटा, इतना easy. बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्राजेनिक होगा तो इंट्रालिलिक होगा या नहीं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आया, क्लियर है बेटा? आप लोग कहोगे यस मैम क्लियर है। अब समझना, एलील्स के बीच का कॉम्बिनेशन है ना बेटा, तो ये टू डिफरेंट एलील्स है, टीटी किसकी बात हो रही है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर एलीलिक बेटा, इंटर एलीलिक, क्या लिख लो इसको, इंटर एलील। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन इज ऑफ टू जीन्स, टू, सॉरी ये एडिट कर देना, ठीक है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन इज ऑफ टू एलील्स ऑफ वन जीन, तो बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर एलीलिक, क्या कहेंगे बेटा इसको, इंटर एलील। सो अगर आपसे कोई पूछे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो आप लोग क्या टिक मार्क करोगे, इंटर एलीलिक। समझ में आया बेटा, इंटर एलीलिक होता है नॉट इंट्रा एलीलिक, लास्ट टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, आप लोग इसको करेक्ट करके लिख लो, इंटर एलीलिक, क्लियर। और इसी इंट्राजेनिक इंटरेक्शन को हम तीन चीज पढ़ते हैं बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, क्लियर हुआ? तो आपसे अगर ऑप्शन में कोई पूछे दिस थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, आप लोग इंटर एलीलिक टिक मार्क करोगे या फिर इंट्राजेनिक। समझ में आया बेटा, कोई डाउट, क्लियर? चलो क्यों, क्योंकि ये दो एलील्स है ना बेटा, एक साथ दो एलील्स है तो ये इंटर एलीलिक। चलो
दूसरी चीज इंटरजेनिक इंटरैक्शन में क्या कहेंगे, चेंजेस और वेरिएशन। तो इसमें हम लोग जो एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं ना बेटा, दोज आर, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेनिक इंटरैक्शन है बेटा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन कहेंगे वो है एपिस्टेसिस। एंड बेटा जी एपिस्टेसिस में आपको टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस पढ़ाऊंगी, विच इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, विच इज व्हाट डोमिनेंट एपिस्टेसिस एक पढ़ाऊंगी मैं, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा रेसेसिव एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन एंड देन एपिस्टेसिस के मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस। समझ में आया, क्लियर है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्लीज राइट इट केयरफुली फ्रॉम यहां से वहां तक आप लोग ध्यान से लिखना। और ये सब लिखने के बाद सबसे पहला हेडिंग डालिए लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर, इस क्लास में एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा था, आप लोग कहोगे यस मैम पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन था कि टेल मी व्हिच लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड व्हिच लॉ इज यूनिवर्सली नॉट। जिसने पता किया जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्योंकि अभी आपको मैं खुद बताऊंगी कि कौन सा लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कौन सा नहीं। एंड आई डू रिमेम्बर कि मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू शो यू द मिरर इमेज थ्रू दिस sessions of incomplete dominance, co-dominance and multiple alleles. समझ में आया बेटा? चलो, so heading डाल दीजिए सबसे पहला और सबसे important topic, that is incomplete dominance. Incomplete dominant, incomplete dominance पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। कुछ लोग बेसिकली ये चीज पूछना चाहते थे मुझसे, कुछ ने कमेंट किया, कुछ लोग क्लास में भी पूछते हैं, कुछ लोग मैसेज जनरली पूछ रहे हैं कि मैम ये जो कॉन्सेप्ट है सेम जीन लोकस का, फिर मैम हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं इंट्राजेनिक इंटरजेनिक का, इंट्राजेनिक वो बोलता है कि सेम जीन लोकस होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। मैम आपने तो हमें स्टार्टिंग में तो बता दिया था कि सेम जीन लोकस क्या था, एक पोर्शन जिसपे एक क्रोमोसोम का छोटा सा पोर्शन, क्या बताया था मैंने देखना, एक क्रोमोसोम का छोटा सा पोर्शन, ये क्रोमोसोम है इस पे एक छोटा सा पोर्शन जहां पे जीन प्रेजेंट होता है, तो इसी को बेटा जी हम लोग जीन लोकस कहते हैं। हाँ मैम हमें भी पता है, आपने भी बताया और हमें भी पता चला, ठीक है एक्सेप्टेड। बट मैम ये जो इंट्राजेनिक का डेफिनेशन कहता है एनसीईआरटी, बेसिकली एनसीईआरटी गिव्स द प्रॉपर डेफिनेशन, क्या कहता है ये सेम जीन लोकस फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो पहले बेटा उसका डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको टू ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो आप लोग मुझे तंग तंग करके पूछ रहे हो वो बताती हूँ कि व्हाट इज जीन लोकस एंड व्हाट इज हाउ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक इंटरैक्शन बिटवीन सेम जीन लोकस, ठीक है। चलो इंट्राजेनिक इंटरैक्शन का जो डेफिनेशन है इसी को इंट्राजेनिक इंटरैक्शन को हम लोग इंटर एलील कहते हैं, क्योंकि दो एलील के बीच की बात हो रही है, टू डिफरेंट एलील टू इंटर एलीलिक। आप लोग कहोगे हाँ मैम पता तो है, क्या कहता है डेफिनेशन, the two alleles of a gene which are present on the gene locus, what is gene locus, the portion, the location of a chromosome where the genes are present, but on the same gene locus का क्या मतलब है कि ये जो, इसका मतलब मैम क्या ये है बेटा जी, आपके मन में सवाल आते होंगे, अगर ये जीन का लोकस है तो यहाँ पे दोनों सेम ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, दोनों सेट ऑफ जीन या फिर एलील प्रेजेंट होंगे, क्या इसका मतलब यही है, बिल्कुल नहीं बेटा, अभी आपको क्रिस्टल लुक मिलेगा इसका, ठीक है देखना। ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम which interact with each other in such a way as to produce expression different from dominant and recessive. Mendel का first law क्या कहता था कि एक जो character है वो दूसरे को dominant है तो जो another character है वो suppress हो जाता है and that becomes a recessive character according to the Mendel's very first law, law of dominance. But यहाँ पे क्या कह रहा है incomplete dominance, ऐसा नहीं होता है, एक जीन विच इज एक अलील विच इज प्रेजेंट ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑन द सेम जीन लोकस मे ऑल्टर एंड शो अ डिफरेंट फॉर्म रेदर देन इट कैन बी इट रेदर देन डोमिनेंट एंड रेसेसिव। बहुत हो गई इंग्लिश की बातें, इमेज से समझाती हूँ समझना।
बेटा पहले तो आप लोग होमोलोगस क्रोमोसोम समझना, ठीक है? अगर ये कलर से समझना, ठीक है, ये आपका पेरेंट क्रोमोसोम था, ठीक है, जो पेरेंट से मिला था, ठीक है बेटा समझना। एक जो क्रोमोसोम था बेटा वो किससे आया था, वो फादर से आया था। किससे आया था बेटा? जो क्रोमैटिड था ग्रीन वाला वो किससे आया था बेटा? वो मदर या फिर फीमेल से आया था, ठीक है? कलर वाला ध्यान देना बेटा, ठीक है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, भूल मत जाइयो, ठीक है? चलो तो जो फादर का, अब आप इसको बोलोगे मैम ये एक क्रोमोसोम है। हाँ बेटा मैं भी यही बोलूंगी, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस इज अटैच बाय सेंट्रोमियर, ये दोनों उसके सिस्टर क्रोमैटिड से, ऑल दैट स्टोरी रिपीट्स, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ईयर इज इंपॉर्टेंट, अब देखना बेटा, ठीक है, ये जो रेड वाला है अगेन इट बिकम्स पूरा रेड। क्या था ये? फादर का क्रोमैटिड था ना, अब देखना ये पूरा रेड बन गया, ठीक है। सिमिलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आप देखोगे कि ऐसा भी एक क्रोमोसोम बन गया। बेटा बेटा कलर पे ध्यान देना, ठीक है, रेड और ग्रीन बन के एक क्रोमोसोम मिल रहा था, बाद में हमने देखा रेड वाला एक क्रोमोसोम मिला, ग्रीन वाला एक क्रोमोसोम मिला, ठीक है। तो रेड वाला जो क्रोमोसोम मिला, हाउ इट इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, है ना बेटा, जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के पैर ने दूसरा पैर बनाया ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दिस इज ओनली रिफर्ड टू एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब तक बहुत बार पढ़ा होगा व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब दिखा जो फादर का जो क्रोमैटिड था अगेन इट गॉट वैरिड और सेम क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम, और ये एक हमारा अनदर होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना, ठीक है बेटा समझ में आया। ये क्रोमैटिड यहाँ से आया था, मदर से आया था, फिर एक क्रोमोसोम बना था, उसने अपना रेप्लिकेशन बनाया, उसने अपना रेप्लिकेशन बनाया, उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा, क्लियर, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या था। कलर देखना, मॉर्फोलॉजी दोनों सेम, जेनेटिकली सेम, इसने अपने आप को दूसरा सिस्टर बनवाया, इसने अपना दूसरा सिस्टर लाया, क्लियर। अब जीन लोकस कैसे होता है वो समझना बेटा, ये समझ में आ गया ना तो पूरी जेनेटिक्स क्लियर होने लगेंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को अब तक समझ में नहीं आता कहता क्या है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम। रटने को तो हर कोई याद रख लेता है बेटा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, उसी को हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। बनता कैसे है समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ, क्रिस्टल प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस। यहाँ ये तो मैंने आपको समझा दिया, वो जीन लोकस वाला मैम कोई बात समझ में नहीं आई, जो इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन एनसीईआरटी देता है क्या है ये जीन लोकेशन, ठीक है समझना। इस होने के लिए हमें टू पेयर्स ऑफ एलील की जरूरत होती है। आप लोगों के हाँ मैम आप एक ही लाइन बार बार क्यों बोलते हो मैम, नहीं बेटा अब बोल रही हूँ क्योंकि दो लेगो के ले लो जो आपके फेवरेट हो, ठीक है, कोई भी दो ले लो, मेरे फेवरेट है सनाया और तनाया, दीज टू आर माई फेवरेट पीपल, मैंने इनको ले लिया, आप जिनको लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। सनाया और तनाया के क्रोमोसोम्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूं, ठीक है समझना बेटा, ये उनका एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अभी दिखाए बेटा पिक्चर, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को कोई भी। फिर से ये तनाया का एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होने वाला था बेटा, अगर मैं उसको ले लूं टीटी तो चलो प्लांट के केस में ले रहे थे ना, मैं ए बी ले लेती हूँ, कोई भी जीन, कोई भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट होने के लिए ये दोनों जीन की जरूरत है, जैसे वो कलर हो सकता है या फिर कोई भी चीज, टॉल हाइट हो सकती है या फिर जो भी कोई भी कैरेक्टर हो वो हो रिप्रेजेंट होने के लिए ये दोनों एलील का जरूरत है। तो ये दोनों जो एलील है सनाया के केस में यहां प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ए, और जो बी है वो यहां प्रेजेंट है, ठीक है, अगेन तनाया के केस में वो यहां प्रेजेंट है ए, अगेन बी भी यहीं प्रेजेंट है, ठीक है। फिर एक और कैरेक्टर की बात
करते हैं जो सनाया के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर उसके ईयर के ईयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग सी 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 एलील से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग भी सी सी एलील से डिनोट करते हैं। जो सी वाला एलील है ना बेटा वो यहाँ प्रेजेंट है, समझना बेटा, ये समझ में आ गया ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और तनया के केस में भी यहाँ प्रेजेंट है। टू एलील्स ऑफ अ जीन विच इंटरैक्ट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम विद इंटरैक्ट इन सच वे। तो बेटा ये सब तो मेंडल की कहानी है, मैं आपको जीन लोकस समझा रही हूँ फिलहाल, ठीक है, कहानी रोक लो। ए का जो लोकेशन है वो यहां से यहां तक कैसा है, सेम है। ए का जो लोकेशन है वो यहां से यहां तक कैसा है, सेम है ना, सेम आपको दिख रहा है। जो लोकेशन ए सनाया के केस में कैरी कर रहा था वही लोकेशन ए क्या था, एलील था, वही लोकेशन ए तनया के केस में भी कैरी कर रहा है, समझना बेटा। बी की बात करूं मैं तो जो लोकेशन बी सनाया के केस में कैरी कर रही थी वही भी लोकेशन बी तनया के केस में भी कैरी कर रही है। टू सेट ऑफ जीन के एलील्स प्रेजेंट ऑन सेम जीन लोकस ऑन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। टू होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनका जीन लोकस कैसा है, सेम है। समझ में आया बेटा क्या कहता है, कितनी भारी है एनसीईआरटी, कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कहता है एनसीईआरटी, समझो कोई नहीं समझाता ऐसे, ठीक है। सनाया के केस में भी जीन लोकस यहाँ पे है, तनया के केस में भी जीन लोकस यहाँ पे है, तो इनका जीन लोकस इनका डिस्टेंस कैसा है, सेम है, इक्वी डिस्टेंस है। लोकस मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स टुगेदर व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यही डेफिनेशन होती है ना मैथ्स वालों, यही डेफिनेशन होती है ना, बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलो हो गया ना, ये बी की भी बात करें तो सेम अगेन, बी इज वॉट इक्विडिस्टेंस है ना, इक्विडिस्टेंस बी आप लोग कहोगे यस मैम है, तो यही है जीन लोकेशन, सेम जीन लोकस का मतलब समझ में आया, अब आई थिंक आ गया होगा। उसका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा किसी भी क्रोमोसोम में, किसी भी फैक्टर में, उसी को हम लोग कहते हैं सेम जीन लोकस ऑन एनी टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉट ओनली इन सनाया। अगर ये तो सनाया और तनया के बारे में लिया मैंने, सानिया या तनया के बारे में दो दो लिया, अगर मैं सानिया के दो क्रोमोसोम के बारे में बात करूं बेटा तो आप लोगों को पूछना चाहिए मैम वो सेम है, हाँ बेटा वो भी सेम है। यहां पर अगर आप ए ले लो, यहां पर अगर आप बी ले लो, फिर से कंपेयर कर लो, फिर भी आपको ए वही इक्वी डिस्टेंस नजर आएगा बी इक्वी, क्योंकि ये जो एलील है वो कैसा होता है, वो सेम जीन लोकस पे प्रेजेंट होता है। अब समझ में आया, क्लियर हुआ जीन लोकस होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड दिस इज व्हाट द डेफिनेशन सेज। फिर तो आपको राम कहानी पता ही है कि टॉल ना होकर के वो मिक्स कॉम्पोनेंट आ जाता है, उसी को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्लियर हुआ इंट्राजेनिक का डेफिनेशन, लुक व्हाट एनसीईआरटी सेज, दिस इज हाउ एनसीईआरटी सेज एंड रिप्रेजेंट्स थिंग, नॉट अ जोक, सीरियसली, ठीक है। चलो सो हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। सो आई सेड गिव द वेरी नेक्स्ट हेडिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल और वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू सी इन इंट्राजेनिक और इंटर एलेलिक। द फर्स्ट वन इज वॉट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, what it is incomplete dominant state, that it is a phenomena where dominant gene, beta dhyan se sunna theek hai, picture shuru hone wali hai, dominant gene is in heterozygous condition has reduced expression so that each allele expresses partially. ab mam ye sab concept kya hai, hame to aapne clearly padhaya tha tt pura dominant स्मॉलर वन पे कैरेक्टर टॉल, बट ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि मैम रुको ऐसा नहीं होता, देयर कम्स अ कंडीशन वेयर दिस टी इज पार्शियली एक्सप्रेस्ड एंड दिस टी इज पार्शियली एक्सप्रेस्ड, व्हेन इन अ हेटरोजाइगस कंडीशन व्हेन टू जीन्स आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड एंड शोज अ न्यू कैरेक्टर और न्यू एक्सप्रेशन रेदर देन dominant or recessive, that is only called as what, that is only called as incomplete dominance. samajh mein aaya incomplete dominance ka kya concept hua, tt inme se ye jo hai wo complete dominant ho raha tha law
डोमिनेंस में, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहता है ऐसा नहीं होता, ये भी पार्शियली एक्सप्रेस हो सकता है, ये भी पार्शियली एक्सप्रेस हो सकता है. एंड द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट इज मिराबिलिस जलापा. एंड एक चीज और याद रखना बेटा, ये हमेशा हेटरोजाइगस कंडीशन की बात कही है. किसकी बात कही है? ये हेटरोजाइगस की. तो हाउ, किसमें ये चीज नोटिस हुआ था? ये चीज नोटिस हुआ था प्लांट दैट इज कॉल्ड एज मिराबिलिस जलापा. मिराबिलिस under Mirabilis jalapa by a scientist that is called as Karl Korens. या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो आपके डन में Karl Korens. बेटा तीनों साइंटिस्ट के नाम अब तक मेरे को कमेंट सेशन में दिख नहीं रहे. लाइव वालों जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन से थे तीन साइंटिस्ट. ठीक है, एक तो Karl Korens, Yugodi Verisorega और कौन सा था बेटा, जल्दी जल्दी बताओ. Karl Korens was the one who studied under Mirabilis jalapa. What did he noticed? He studied the flower color. Flower color, which was RR was the male. This R was the red color flower which was dominant, and this RR was the white color flower dominant. Again, he made the cross between these two and he got it as R and R. तो इसको बेटा, इसको क्या मिलना चाहिए था? रेड कलर मिलना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं हुआ. विच कलर ही ऑब्टेन, दैट कलर वॉज पिंक कलर. एंड दैट मेड हिम सरप्राइज्ड कि मेंडल के ने कुछ तो गड़बड़ किया. मेंडल ने कोई गड़बड़ नहीं की थी, मेंडल एक बहुत महान इंसान थे. ठीक है, पर ये उनका एक्सेप्शन है कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मेंडल के केस में वैसा हो रहा था, इसमें ऐसा हो रहा है. किसके, किसको मिला ये चीज? Karl Korens को. ठीक है, तो फिर ये तो हो गई बेटा F1 जेनरेशन की बात. अब करवा लेते हैं इसका क्रॉस F2 जेनरेशन के लिए करवा लें. F1 into F1 कोई तो बेटा जी हम लोग क्या कहते थे, F2. चलो पुनेट स्क्वायर बॉक्स से करवाते हैं, सबसे इजी, सबसे बेस्ट मेथड, सबसे करेक्ट एडिक्वेट मेथड. ठीक है बेटा, चलो आर आर. Here the history repeats. Phenotypically, there should be 3 red and 1 white. आप लोग कहोगे हाँ मैम लॉ ऑफ डोमिनेंस. जल्दी जल्दी होशियार बच्चे उठ के बोलेंगे यस मैम लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से. बट आई एम टेलिंग यू दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Karl Korens ने कहा ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग. और इसके बदले उसको क्या मिला? 1 रेड, 2 पिंक. एंड जीनोटाइप तो क्या आ गया? 1:2:1. फिर जीनोटाइप की बात कर ले. आप लोग कहोगे यस मैम करवा लीजिए जीनोटाइप. जीनोटाइप भी तो मैम वही आ रहा है, आरआर होमोजाइगस, फिर हेटरोजाइगस, फिर होमोजाइगस. इससे आपको क्या समझ में आया कि यस देयर कम्स अ कंडीशन when one gene is partially expressed on another gene. मैं आपको ये बताती हूँ incomplete dominance में recessive वाला क्यों express होता है. क्योंकि ये देखना यहाँ पे कुछ ना कुछ ये recessive वाले का character आया होगा ना, white का, तभी तो pink हुआ. तो आप लोग कहोगे yes ma'am आया होगा. समझना, मम्मी और पापा की एक favorite story है, मैं बताती हूँ. ठीक है, मतलब आप जो हो वो अपने पापा से बहुत ज्यादा frank हो. ठीक है, वहीं आप अपने मम्मी, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मी बाहर नहीं जाने देती, मम्मी पिज्जा नहीं खाने देती, मम्मी बर्गर नहीं खाने देती. मम्मी कंप्लीट डोमिनेंस है आपके लाइफ में. ठीक है, पापा फ्रेंडली हैं, कोई बात नहीं, चलो बेटा आज पिज्जा खाना है पिज्जा खिला देता हूँ, बर्गर खिलाना है बर्गर खा लो, कैंडी खाना है कैंडी खा लो, जो खाना है खा लो. पापा बहुत फ्रेंकली है, मिल बांट के चल रहा है आपका रिलेशन. ठीक है, हो रहा है, हाँ हो रहा है. हाँ थोड़े कहीं किसी केस में पापा कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, बट इन केस ऐसा होता है कि पापा थोड़े जो डोमिनेंट थे, कभी कभी आप भी उन पे ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हो. क्यों? क्योंकि आपको पापा कैसे मिले थे? लेस डोमिनेंस. मम्मी कैसे मिली थी? कंप्लीट डोमिनेंस. पापा कैसे थे? थोड़े से कम गुस्सेल थे, थोड़े से कम डोमिनेंस थे. तो आपने भी अपना कैरेक्टर उन पे दिखा दिया, आपने भी अपना गुस्सा पापा पे निकाल दिया. तो वही चीज इनके साथ हुई,
जब पिंक, जब आर वाला जो कैरेक्टर था वो इनकम्प्लीट या फिर पार्शियली एक्सप्रेस था, तो फिर रेसेसिव वाले ने भी अपना कैरेक्टर दिखा दिया, क्लियर? एंड इसी को हम लोग कहते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया बेटा? आप लोग कहोगे यस मैम, समझ में तो आ गया। एंड दिस इज व्हाट द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज 1:2:1। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों के सेम होते हैं। एक चीज नजर करना, फ्लावर रेड और व्हाइट लिया था ना हमने, तो रेड और व्हाइट मिलाकर के पिंक दे रहा था ना, तो इसको हम लोग ब्लेंड हुआ ना, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, क्लियर है बेटा? कोई डाउट? समझ में आया? आप लोग कहोगे यस मैम, समझ में तो आ गया। मिराबिलिस जलापा का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, मिराबिलिस जलापा इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 o'clock प्लांट, एंड इसका एक और नाम है जो हम लोग बहुत फेमस से पढ़ते हैं बेटा, गुल एबंस। क्लियर? ये नाम आपको याद रखने हैं। आपको दौड़े दौड़े मेरे से एक और सवाल पूछना चाहिए था कि मैम ऐसा कभी होता है क्या कि मेरे सिर्फ ये कंडीशन मिराबिलिस जलापा में ही होती है? मैं कहूंगी नहीं बेटा, ऐसे और भी प्लांट है जो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंथीरिनियम मेजस, एंथीरिनियम मेजस। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दू, चिकन के एक ब्रीड में, एंडुलेशियंस ब्रीड में भी ऐसा होता है। एंडुलेशियंस चिकन ब्रीड में भी ऐसा होता है। फाउल लिख लो बेटा, पूरा लिख लो एग्जाम्पल, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो मिराबिलिस जलापा, एंथीरिनियम मेजस एंड एंडुलेशियंस फाउल आर द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दो और एक चीज, आप पार्शियल इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब मारोगे पता है? खाचेटिक, जब आपको ये वर्ड मिलेगा। पार्शियली दोनों जीन एक्सप्रेस होती है और मिलके नया बनाती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। याद रखने वाली चीज है, इसके अदर एग्जाम्पल्स ये किसने दिया था? तो ये कार्ल कोरेंस ने दिया था। बेटा आप तो बता दो वो तीसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था? स्कीमाक था, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वेरिस। चलो आपने नहीं बताया तो मैं ही याद दिला देती हूँ, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वेरिस, और एक और कौन सा था बेटा? स्कीमाक था फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ह्यूगो डी वेरिस वॉज फ्रॉम होलैंड एंड कोरेंस वॉज फ्रॉम जर्मनी। यही तो तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के, मेंडल के जेनेटिक्स को उधार कर दिया। क्लियर? समझ में आया? डोमिनेंस आज हमने पढ़ा, व्हाट इज इंट्रोजेनिक, व्हाट इज पोस्ट मेंडेलियन सेज अबाउट, व्हाट इज इंट्रोजेनिक, व्हाट इज इंटरजेनिक, एंड देन व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड ब्यूटिफुली वी हैव एक्सप्रेस्ड what does incomplete dominance says about. So yes, we have concluded. Thank you very much. Do watch the session, complete the session. Beta, aaj ke class mein aisa kuch bhi nahi hai jo aap chhod sako. Jo aapke doubts the gene locus aur gene position pe, wo maine aapko clear kar diye aaj. क्लियर इमेज दिखाया कि जो एनसीईआरटी डेफिनेशन कहती है वो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का कैसा होता है, एंड दैट इज, अब आपको एनसीईआरटी पढ़ के कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। मैंने आपको सिंपलीफाई वे में बता दिया, एक जीन के अंदर जो बात होती है उसको हम लोग इंट्राजेनिक कहते हैं या फिर इंटर एलेलिक कहते हैं, लेकिन हाउ डस एनसीईआरटी रिप्रेजेंट वो देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इसका बेटा एक एक पॉइंट मत भूलना, पहली बीत तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन में होता है, डोमिनेंट जीन जो होता है वो नहीं होता, बल्कि ये अलग कैरेक्टर अलग एक्सप्रेस दिखा देते हैं पार्शियली मिलके। क्लियर? द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट इज मिराबिलिस जलापा व्हिच वाज गिवन बाय कार्ल कोरेन, एंड द एग्जांपल एंथीरिनियम मेजस, एंडुलेशियन फाउल, बाकी तो सब पिक्चर दिख रही है। जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। कुछ बच्चों के ये भी डाउट थे, मैम व्हाट इज दिस चेस्ट क्रॉस, व्हाट इज दिस बैक क्रॉस, व्हाट इज दिस रेसिप्रोकल क्रॉस। बेटा मैंने आपको टेस्ट क्रॉस तो पढ़ाया ही है, आउट क्रॉस भी पढ़ाया है और बैक क्रॉस भी पढ़ाया है, तो फिर आपको पता है किस किस क्वेश्चंस आपसे क्यों ऐसे आते हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है? तो ऑप्शन होता है टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, देन कम्स व्हाट, देन कम्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद मैं आपको एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी,
co-dominance का, then that also. ये चारों केस में phenotypic ratio is equal to genotypic. This is most asked question. आपको ये चीज़ याद रखनी है. And thank you very much. Do watch the session. Thank you.